प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 9 मार्च 2024 को आपके क्लास 7th का हिंदी का वीकली टेस्ट लिया गया, और इस वीडियो में हम आपके हिंदी में आए हुए प्रश्नों का सही उत्तर करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसका वास्तविक उत्तर क्या था और आपने क्या लिखा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसका जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, आपको इस पे मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप पे जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, सभी कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सा प्रश्न आया था उसका सही उत्तर क्या था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि मुक्ति पाठ को आपको पढ़ना है और उसी से प्रश्न थे, और कई प्रश्न मैंने जो करवाए हैं उसी से थे। मुक्ति कहानी के रचनाकार कौन है? वाल्टर भेंगरा तरुण, प्रेमलता अग्रवाल, राधा कृष्णा, श्याम व्यास। तो यहाँ पे सही उत्तर डी था, श्याम व्यास। श्याम व्यास इसके कहानीकार हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया, चिंकी कौन थी? ये प्रश्न भी मैंने करवाया था। लेखक की बेटी, लेखक की पोती, लेखक की माँ या फिर लेखक की पत्नी? तो यहाँ पर सही उत्तर था बच्चा, लेखक की पोती। सही उत्तर खा था, लेखक की पोती। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया बच्चा, प्रश्न संख्या 3। चिड़िया और उसका बच्चा किस फ्लैट में फंसे हुए थे? किसके फ्लैट में? लेखक, असरानी, मकान मालिक या दुकान? तो यहाँ पे तीसरे का सही उत्तर खा था, असरानी। असरानी के फ्लैट में चिड़िया और उसका बच्चा फंसे हुए थे। चिड़िया और उसके बच्चे को मुक्त कराने के लिए खिड़की का कांच कौन तोड़ता है? चिंकी, जयदीप, लेखक या असरानी? तो यहाँ पर लेखक जयदीप को पत्थर देता है और वह पत्थर से कांच को तोड़ देता है। सही उत्तर खा होगा। चिड़िया के घर आने जाने का सिलसिला लगभग कितने महीने से शुरू होता है? ये प्रश्न भी मैंने करवाया था। विकल्प दे रखा है सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर या दिसंबर, जनवरी। तो आप इस पाठ को पढ़ोगे तो उस पहली पंक्ति लिखा हुआ है, लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। सही उत्तर यहाँ पर खा था, अक्टूबर नवंबर। आया बदलाव, बदलाव होगा, आया बदलाव पाठ किस आत्मकथा का अंश है? सत्य का प्रयोग, मेरी कहानी, अग्नि का उड़ान या फिर कर विजय हर शिखर? तो यहाँ पर सही उत्तर था बच्चा, कर विजय हर शिखर का यह अंश है, यानी कि विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है बच्चा। प्रेमलता अग्रवाल कौन है? वैज्ञानिक, नृत्यांगना, पर्वतारोही या सैनिक? तो यह एक पर्वतारोही है जो पर्वतों पर चढ़ती है, और सबसे अधिक उम्र पर पर्वतारोही यही है, लगभग 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने पर्वत पर विजय प्राप्त की थी। प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर कब पहुंची थी? 20 मई 2009, 20 मई 2010, 20 मई 2011, 20 मई 2012। तो वे 20 मई 2011 को पहुंची थी। सही विकल्प गा हो जाएगा। प्रेमलता अग्रवाल ने किस उम्र में माउंट एवरेस्ट पर की ऊंचाई पता की? 42 वर्ष, 44 वर्ष, 46 वर्ष या फिर 48 वर्ष? 9वें का सही उत्तर यहाँ पर घा होगा, 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर की ऊंचाई पता की थी। प्रेमलता अग्रवाल कहाँ की निवासी है? झारखंड, उत्तराखंड, बिहार या फिर राजस्थान? बताइए इसका सही उत्तर क्या किया आपने। यहाँ पर सही उत्तर था बच्चा का झारखंड, झारखंड की ही निवासी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, चिड़िया घोंसला बनाने के लिए क्या क्या ले जाती है? तो आपको लिखना था, चिड़िया घोंसला बनाने के लिए कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते छोटे बड़े तिनके, रुई के फाहे, रद्दी कपड़ों की चिंदियाँ और ना जाने क्या क्या ले आती है। मुक्ति कहानी हमें क्या संदेश देती है? मुक्ति कहानी को आपने पढ़ा तो मुक्ति कहानी क्या संदेश देती है?
तो यहाँ पर आपको लिखना था मुक्ति कहानी के बारे में कि किसी भी जीव जंतु को बंदी या फिर बंधन मुक्त, बंधन अच्छा नहीं लगता है, सभी को बंधन स्वतंत्र होता है और उसके लिए वो भरसक प्रयास भी करता है। लेखक के अनुसार चिंकी और चिड़िया दोनों में क्या समानता है, तो चिंकी और चिड़िया दोनों ही क्या है, दोनों ही जिद्दी है, दोनों ही जिद करती है। ठीक है, तो यही आपका प्रश्न था, आपको इस प्रकार से उत्तर करने थे। थैंक यू बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।